नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज चैनल। वीके न्यूज चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मिश्रा। वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं नैली खटकाचक शिक्षा निकेतन स्कूल में। यहां पे डॉक्टर लोग का शिविर लगा हुआ है, कुमार मल्टी स्पेशलिस्ट, और यहां पे उद्घाटन करने आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी। आइए देखते हैं एक झलक। नमस्कार, वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीके न्यूज से श्वेता सिन्हा। शहर के नैली रोड खटकाचक स्थित श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में महाबोधि आरोग्य मंगलम ट्रस्ट के तत्वाधान में संचालित कुमार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के सहकारिता सह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, विद्यालय के प्राचार्य पूनम सिन्हा, कुमार मल्टी स्पेशलिस्टी अस्पताल से डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर गजेंद्र कुमार, डॉक्टर ए एन सिंह, डॉक्टर प्रभात एवं डॉक्टर गौरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित अतिथियों एवं कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों का स्वागत स्कूल के प्राचार्य पूनम सिन्हा ने पौधा एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मौके पर उपस्थित मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज के परिवेश में लोगों को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खान पान पर ध्यान देना अति आवश्यक है। स्वस्थ तन मन ही हमारा अर्जित धन है, हेल्थ इज वेल्थ। उन्होंने भी कहा कि विद्यालय की ओर से इस तरह का आयोजन करना एक सराहनीय पहल है, क्योंकि बीच बीच में विद्यालय के बच्चों को स्वास्थ्य का चेकअप करना चाहिए। इस मौके पर कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस चिकित्सा शिविर कैंप में बीपी, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन के अलावे विभिन्न विभाग के चिकित्सकों द्वारा मरीज को परामर्श एवं मुफ्त में दवा का वितरण भी किया गया है। उन्होंने अभी कहा कि इस तरह का आयोजन विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय पहल है। विद्यालय की ओर से विद्यालय के बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को भी मुफ्त में परामर्श दिया गया है। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य पूनम सिन्हा कहा कि हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। गया शहर के चर्चित महाबोधि आरोग्य मंगलम ट्रस्ट के तत्वाधान में संचालित कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा मेरे विद्यालय में निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। इसके लिए अस्पताल के सभी चिकित्सकों एवं उनके संचालकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने अभी कहा कि चेकअप कैंप में आए सभी लोगों को मुफ्त में इलाज कर दवा का भी वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में इस तरह का आयोजन बराबर किया जाता है, क्योंकि इससे विद्यालय का बच्चों का स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जा सके। इस चिकित्सा शिविर में डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर ए एन सिंह, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर गजेंद्र कुमार, डॉक्टर गौरी कुमारी के अलावा कुमार हॉस्पिटल के कई कर्मचारी सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। मैं वीके न्यूज से श्वेता सिन्हा, देखिए एक रिपोर्ट। मोक्ष ज्ञान माँ मंगला गांधी की धरती पर आज खटकाचक मोहल्ले में शिक्षा निकेतन विद्यालय के परिसर में आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, और इसके माध्यम से आज हमारे जो चिकित्सक यहाँ पर आए हैं उनके बेहतर प्रयास से काफ़ी संख्या में स्थानीय जो लोग शहरवासियों का हेल्थ चेकअप कराने का काम किया गया है, उनको सलाह दिया गया है, दवा भी दिया गया करके है, एक अच्छी पहल जा करके है। और यह धरती भगवान विष्णु की पावन नगरी जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री भी समा रहे हैं। इस मौके पर गया की बढ़ती आबादी, जरूरतों और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कि शहरवासियों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसके लिए हमारे डॉक्टरों ने, हमारे मित्र डॉक्टर रघु नारायण जी सहित पूरी टीम ने आज घंटों यहाँ कैंप लगाकर सारे नर्सेज भी यहाँ पर हम उपस्थित हैं, अनेक डॉक्टर, विभिन्न क्षेत्र के डॉक्टर, विशेषज्ञ लोग यहाँ पर आए हुए करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर जो विद्यालय परिवार हमारा जो है इनके सहयोग से आज जो आयोजन हुआ है उस शुभकामना देते हैं। और जरूरत समय के साथ चलना है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य हमारा धन है, और स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या को बेहतर बनाना होगा, समय पर जगना, समय पर सोना, समय पर आहार लेना, और
यदि ऐसा करते यदि हम हैं तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रहेंगे, और किसी कारण से स्वास्थ्य हमारा ख़राब होता है तो समय समय पर कैंप लगा कर जिससे चेकअप कराया जा रहा है, अपने स्वास्थ्य को चेकअप जब कराएंगे बीमारी से दूर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज शिविर कैंप का आयोजन? जो भी कहना था वो डॉक्टर संजीव कुमार कह चुके हैं, और मल्टी स्पेशलिटी कुमार हॉस्पिटल की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। श्री शिक्षण संस्थान नैली है, क्या है जी खटपचना नैली में, और जागरूक किया जा रहा है कि किसी तरह का अभी सीजन में डेंगू है मलेरिया है इसकी जांच भी हो रही है, और इसके लिए कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंप लगाया है। विद्यालय प्रबंधन को क्या करना चाहेंगे इस तरह का आयोजन जो किया गया उसके लिए? अच्छी पहल है, करना चाहिए। शिक्षक लोग तो बढ़ावा देते हैं अच्छे बच्चों को। हम इस हेल्थ कैंप के जरिए मतलब एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि जो जैसे मेनली बच्चों को करना चाहते हैं कि समय समय पे वो अपना हेल्थ चेकअप कराते रहे, जैसे डेंटल चेकअप हो गया ठीक है, और तरह तरह की जैसे उनको जैसे कि उनको बीमारी हो सकती है उसको समय समय पर चेकअप कराने के लिए एक तरह से जागरूक। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम? मैं जनरली फीमेल वगैरह को कहना चाहूँगी कि जो कॉमन यूटीआई और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग झिझकती है और नहीं आती दिखाने के लिए, और बाद में वही बड़ा हो जाता है, तो अगर बेसिक लेवल पे अगर उसका शुरू से ही जांच किया जाएगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्योर हो सकता है, सब कुछ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और जनरली फीमेल में जो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है हर जगह कैंपेन चला दिए तो उसके लिए आए और वो आके फ्री में मेडिसिन लें और मतलब झिझके नहीं, आ करके उसका जो भी प्रॉब्लम है उनको आए और दिखाए, हम लोग उनके लिए हैं जी। बताए क्या आयोजन किया गया? आज हमारे स्कूल श्री शिक्षा निकेतन में हेल्थ कैंप लगा है जो महाबोधि मंगलम ट्रस्ट की ओर ट्रस्ट के तत्वावधान में शुरू हुआ है, एवं डॉक्टर के ढेर सारे टीम आए हैं और वो सर बच्चों को पेरेंट्स को और आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं उन सभी को इलाज कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर का टीम है, चेकअप भी हो रहा है, सभी चीज़ का जांच है, ब्लड का है, हीमोग्लोबिन का है, और जितने भी सारे टेस्ट हैं सभी टेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ जो डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर में सभी अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कुमार मंगलम कुमार जो है मल्टी स्पेशलिस्ट, सारे डॉक्टर आए हुए हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं जिसमें गायनी है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के हैं, और जनरल फिजिशियन भी हैं, वो दो जनरल फिजिशियन हैं, सभी अब इलाज करा रहे हैं, इनका फ़ायदा सबको उठा रहे हैं, जितने भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं सब अपना अपना इलाज करा रहे हैं, जिनके जो प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम का सलूशन हो रहा है, सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और साथ में जाँच भी हो रहा है जो निःशुल्क है, और उसके साथ मेडिसिन भी मिल रहा है सभी को, जो भी हो रहा है सब मेडिसिन है। वो लोग हम लोग के स्कूल की तरफ से उन लोग को रिकमेंड किया गया है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी लोग यहाँ इलाज करवा रहे हैं उनका एक महीने तक का निःशुल्क सेवा होगा, उनका कोई शुल्क नहीं लग रहा है। तो यही हमारे स्कूल जो श्री शिक्षा निकेतन है जो अपनी तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ सब लोग इसी कार्यक्रम के तहत आए हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। और यहाँ पे कौन आए हैं? और यहाँ हमारे मंत्री जी आए हैं, जो सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी आए हैं, और वो आकर के हमारे स्कूल के बारे में बताए हैं, और जांच जो हो रहा है स्वास्थ्य जीवन के लिए कितना महत्व रखता है उसके बारे में सभी को बताए हैं, और अपना कीमती समय का योगदान दिए हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। वो अपने भाषा में अपने भाषण में दिए हैं, और बच्चों को भी सभी समझाए हैं कि हेल्थ हीज वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, सबसे महत्वपूर्ण धन जो है वो स्वास्थ्य है, इसीलिए सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और इसी तावधान में हमारा स्कूल भी अग्रसर रहता है, हर वक्त हम लोग जो है हेल्थ कैंप लगाते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे।